हेलो गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वेबसाइट जहाँ पर आप अपने ओल्ड नोट्स सेल कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स को सेल कर आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। गाइस, जैसे कि हम जब ग्रेजुएशन में थे तो कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करते थे, तो हम अपने खुद से ही नोट्स बनाते थे। तो सेम वही नोट्स, या आप अब स्टूडेंट हैं तो आपको जो डेली नोट्स है, सिंपली वो नोट्स को आप सेल कर सकते हैं और वो नोट्स से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। गाइस, आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं अलॉन्ग विद देयर स्टडीज़। तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग कोई काम नहीं है गाइस, सिर्फ आपको यहाँ पर अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड नोट्स को सेल करना है और वहाँ से अर्निंग करनी है। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट गाइस, आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और अपने क्रोम पर टाइप कीजिए स्टडी पूल। देखिए, और यहाँ पर ये वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, जो स्टडी पूल फर्स्ट वेबसाइट शो हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए। देखिए गाइस, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। गाइस, यहाँ पर इवन आप ड्यूरिंग योर स्टडीज़ इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट, यू कैन जस्ट पोस्ट अ क्वेश्चन। यहाँ पर पोस्ट अ क्वेश्चन पर जाकर पोस्ट कर गाइस आप अपना डाउट क्लियरिफाई कर सकते हैं। गाइस, इसमें और हम क्या क्या देख सकते हैं? यहाँ तो नोट्स तो हम सेल ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम क्लिक कर कर एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर क्लिक कर कर देखते हैं। यहाँ पर आप .NET, जावा, लिनक्स, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं एंड बिजनेस है, साइंस है, तो आप यहाँ से साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, रॉकेट साइंस, साइंस, जूलॉजी सब अच्छे से पढ़ सकते हैं गाइस। चलिए सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं। तो गाइस, साइन अप करने के लिए आप सिंपली आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, या साइन अप विद गूगल या साइन अप विद फेसबुक भी कर सकते हैं। मैं साइन अप विद गूगल करती हूँ। एक बार गाइस ये जो इनके टर्म्स ऑफ यूज़ है एक बार पढ़ लीजिए और यहाँ पर चेकबॉक्स पर राइट एक क्लिक कीजिए, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। देखिए गाइस, यहाँ पर आपको एक अपना यूज़र नेम देना है और आप कौन से कॉलेज से पढ़े वो देना है और एक अवतार देना है। गाइस, अगर यहाँ पर आप अपना अवतार नहीं देना चाहते हैं, अगर अपनी इमेज अपलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसको अपने गूगल के फ़ोटोज़ से अपलोड फ़ोटोज़ पर जाकर यहाँ पर अपनी इमेज इम्पोर्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर उसके बाद हम लॉग इन करने के बाद ऐसा दिखता है ये, हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर अपना आप पोस्ट अ क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ आप ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं एंड लीनियर अलजेब्रा आल्सो यू कैन लर्न। देखिए गाइस, यहाँ पर एक ये डॉक्यूमेंट फीचर करे हैं कि कैसा डॉक्यूमेंट है, कैसा बनाना है। गाइस, ये आगे हम जाके कंप्लीटली देखेंगे कि इसको कैसे कैसे बनाना है, इसमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है और डॉक्यूमेंट कैसा ये करना है, हम इसको सब आगे डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आप यहाँ पर डन कर दीजिए, क्लिक ऑन डन। देखिए गाइस, अब यहाँ पर एक हमारी प्रोफाइल बन गई है। यहाँ पर देखिए गाइस, आप यहाँ पर सिंपली सेल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दीजिए। आप अपनी अगर प्रोफाइल बनी या नहीं बनी चेक करना है आपको, तो यहाँ पर मेन्यू वाला जो बॉक्स है उस पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए मेरी आईडी बन गई। यहाँ पर अगर आप पोस्ट अ क्वेश्चन करना है तो वो कर सकते हैं गाइस। सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर एक फ्लैगरिज्म चेकर भी चेक कर सकते हैं, जो कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब अगर हम अपनी रिपोर्ट बुक जब तैयार करते हैं प्रोजेक्ट की, तो जब फ्लैगरिज्म चेकर बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर आप सिंपली आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर कर चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब सेल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन हैं और इन्हों कितना अर्न कर रहे हैं। देखिए 94
$1,712 इन डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। गाइस देखिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कोई आपके डॉक्यूमेंट को सिर्फ व्यू करता है तो आपको $10 मिलते हैं। गाइस यहाँ पर आप टेस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन मटेरियल वो भी पोस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और देखिए यहाँ पर ये लिखे हुआ है पर $10 पर डॉक्यूमेंट। आपने ओल्ड असाइनमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, क्लास के नोट्स भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया, आपको अगर ग्रीन लाइट टिक आ रहा है इट मीन्स योर डॉक्यूमेंट हैज अप्रूव्ड, इफ रेड मार्क देन इट हैज नॉट अप्रूव्ड। देखिए सबसे पहले इसमें स्टेप्स क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही है, नेक्स्ट उसके बाद चेक करनी है आपकी फाइल्स अप्रूव हुई या नहीं, उसके बाद कौन यूजर्स आके देखे, आफ्टरवर्ड्स योर अर्निंग विल स्टार्ट। देखिए गाइस जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है और करना क्या नहीं है, डूज एंड डोंट यहाँ पर क्लियरली मेंशन करेगा गाइस ये लोग। तो ये देखिए यहाँ पर एक एसे ड्राफ्ट है, इसमें कैसा लिखना सारा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं ओपन विथ ड्राइव कर लेके देख लीजिए गाइस। यहाँ पर ये एक वे बताए कैसा लिखना है, इसमें क्या क्या हमको मिस्टेक्स नहीं करना, ये करेक्ट वे ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो जिसमें मिस्टेक्स है वो भी डाउनलोड कर कर आप देख लीजिए कि आप, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है। सिंपली यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट लाकर अपलोड करना है और कुछ नहीं करना है जो कॉपीराइट नहीं हो। गाइस अगर आप डेली नोट्स बना रहे हैं तो वो कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं होते, तो आप सिंपली गाइस आप अपने डेली के क्लास नोट्स अपलोड करो और अर्न करो, दैट्स इट। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो एक डॉक्यूमेंट बनाकर अपलोड कर रहे हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।